हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार रणपाल। दोस्तों, अभी हम लोग नया गांव मुंगरोड़ा आए हैं, होली का पावन अवसर है दोस्तों। ऐसे में जो है नया गांव मुंगरोड़ा से हमें लक्ष्मी मंडल जी के घर से कॉल आई है और इन लोगों ने बहुत बड़ा सांप देखा है, उसका फोटो हमें इमेज भेजा था, हमने आइडेंटिफाई किया। वो एक स्पेक्टिकल कोबरा है और साथ ही काफी बिग साइज का स्पेक्टिकल कोबरा, आप देख सकते हैं। ये गली है और यहीं से इनका एक बाथरूम है, बस यहीं लोग आना जाना कर सकते थे। ऐसे में अगर लाइट नहीं रहती तो एक गंभीर हादसा हो जाता, सर्प दंश हो सकता था, एकदम कोई नहीं काट सकता था। आप देख सकते हैं ये एक पतली सी गली है और यहीं से आपके लिए इधर दिखाइए, ये इनका टॉयलेट है और आप देख सकते हैं कितना बड़ा कोबरा सांप है यहाँ पे। दिखाइए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतना बड़ा कोबरा सांप इनके बाथरूम में है और काफी खतरे की बात है साथियों, कभी भी बाइट हो सकती है ऐसे में। इतना छोटा स्पेस है, न जाने सांप कहाँ से आ गया, भूले भटके आया होगा, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते। ऐसे में क्या है कि लोग या तो ये उनको काट लेता है या लोग इनको इसको मार देते हैं। तो छोटी सी जगह है, इसे मारने में लोगों को काफी प्रॉब्लम हो जाती, तो ऐसे में स्नेक बाइट का बहुत ज्यादा चांस था। और इतना बड़ा कोबरा सांप है, अभी हम इसको अब निकालते हैं, बने रहिए साथ में वीडियो में। तो आप देख सकते हैं इस कोबरा स्नेक को हम बहुत ही सावधानी से निकाल रहे हैं और आप देख सकते हैं बिग साइज फुल लार्ज स्पेक्टिकल कोबरा साथियों, काफी बिग साइज का, लार्ज साइज इसका, काफी वेट है इसका, वजन है और जहरीला सांप ये। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा साइज का स्पेक्टिकल कोबरा, एक्स्ट्रा लार्ज साइज, जो भी बोलना है शांति जी को बना, वीडियो बनाई शांति जी को सर, मैं आगे से लेगा सर, थोड़ा दूरी बना लीजिए आप लोग, बड़ा दूरी बनाइए सर, थोड़ा दूरी बना लीजिए उसको, थोड़ा ज्यादा सर, सर दूरी आप लोग तरह उधर से दूरी बनाइएगा भैया, थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा ही स्पेक्टिकल कोबरा और आसपास गली मोहल्ले हैं साथियों, ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा कोबरा सांप है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा कोबरा सांप है और इतना छोटा इनका गली था, स्पेस था, बाथरूम का जगह था, लोग आना जाना करते ही, होली का समय है, पर्व का मौका है और ऐसे में कोई भी अनहोनी हो सकती थी, हो सकता है। अगर लोगों को मेरे पास हमारा नंबर नहीं होता तो काफी खतरे की बात हो जाती यहाँ पर। तो फाइनली लोगों ने हमें कॉल किया, हमने आकर इस बड़े कोबरा सांप का अच्छी तरह से रेस्क्यू किया साथियों, और हम इसे ले जाकर इसके उचित जगह, यानी कि सांपों का भी दोस्तों जीने का हक है, इन्हें भी जंगल में रहना चाहिए, क्योंकि अगर सांप खत्म हो जाएंगे तो हम लोगों के सर्वाइवल में ही काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं ये काफी बिग साइज स्पेक्टिकल कोबरा, अगर यह घर में रहता तो खतरा कैसा है आप समझ सकते हैं, इसकी फुंकार देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर जी आप थोड़ा साइड हो जाइए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस कोबरा स्नेक को रेस्क्यू कर लेते हैं और इसे ले जाकर हम लोग फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। काफी हैवी साइज का बड़ा कोबरा था और काफी खतरनाक, होली के दिन इसका दर्शन एक तरह से शुभ भी है, लेकिन घर में अगर निकल गया है तो ये एक दुर्घटना वाली बात भी थी दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका रेस्क्यू कर लेते हैं अच्छी तरह से और फिर हम लोग ले जाकर इसे फॉरेस्ट में यूज करेंगे। कर दो।
आपने देखा ऐसे सिचुएशन में हमने आकर इस कोबरा स्नेक का सक्सेसफुली अच्छी तरह से रेस्क्यू कर लिया। लोगों का धन्यवाद कि इससे छेड़छाड़ नहीं किया ना, अन्यथा कोई अनहोनी हो जाती। तो इसी तरह स्नेक बचाते रहिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।